हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो बस सुबह सुबह के काम शुरू हुआ है मेरा, रूटीन, मॉर्निंग वाला रूटीन। तो इस समय थोड़ा सा चेंज है, मैं थोड़ा सा लेट भी उठी हूँ क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी और दूसरी चीज़ें, मुझे पूजा भी नहीं करनी थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ। जिन टाइम में मुझे पूजा नहीं करनी होती ना, तो उस दिनों में थोड़ा सा लेट होता है, और तबीयत ना ठीक होने की वजह से आज मैंने नाश्ता भी बिना नहाए ही कर लिया था। और वैसे मैं बिना नहाए तो कभी नहीं खाती हूँ, पर तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने दवा ली थी तो उससे पहले नाश्ता कर लिया था, फिर काम में लगी हूँ, उसके बाद में नहाना धोना। क्योंकि सफाई जब मैं अपने से करती हूँ तो मुझे अलग ही संतुष्टि मिलती है सुबह की। अच्छे से एक बार क्लीनिंग हो जाए मॉर्निंग में ना, तो दिन अच्छा बीतता है ऐसा लगता है मुझे। तो मैं दीक्षा बहुत मना करी कि मम्मी रहने दो, मैं कर लूँगी अकेले ही, आपकी तबीयत नहीं ठीक है। मैंने कहा नहीं, अभी इतनी ठीक है, मुझे आराम है, मैं करा लूँगी। तो बस मैं लग गई हूँ, मैं अपना झाड़ू लगाई, डस्टिंग वगैरह, थोड़ा सा वॉश मेसन वगैरह, ये सारी चीज़ें। और आवाज़ बिल्कुल सही नहीं हो रही, मैं बहुत कोशिश करी, बहुत बार वॉइस ओवर डिलीट किया पर आवाज़ बिल्कुल नहीं ठीक हो रही। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा और सुन लीजिएगा मेरी ये गंदी सी आवाज़। क्या करूँ, नहीं ठीक हो रही। और यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है और सिंपल दाल बनाई है मैंने, अरहर की दाल बनाती तो मैं अक्सर जीरे, हींग, मिर्च से या फिर प्याज और मिर्च से ऐसे ही फ्राई करती हूँ। क्योंकि जब राजमा और खड़ी मसूर और सारी दालें बनाती हूँ तो वो तो मसाले वाली बनती है मेरी पेस्ट बना के, पर ये दाल अक्सर ऐसी ही सिंपल बनती है, आप लोग देखते भी होंगे। और यहाँ पे दीक्षा को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा ना तो मुझे ही दिखाएगी, क्योंकि बच्चों की आदत होती माँ से हर चीज़ पूछने की। तो दीक्षा को लग रहा था कि ये टमाटर ख़राब है, वो चटनी बना रही है और मैं रोटी सेक रही हूँ, तो टमाटर मुझे सुनाया। मैंने कहा नहीं ठीक है, ऐसे लग रहा है तुमको। तो बस खाना हुआ है हम लोगों का दोपहर का, और उसके बाद कपड़े धुल के रखे हुए थे, क्योंकि आजकल ठंडियों में ना हाथ से धुले कपड़े अगर बिना ड्रायर किए डाल दो तो 2 दिन लग रहे हैं सूखने में, और जब हम ड्रायर कर लेते हैं ना तो सूख जाते हैं। मैंने कहा पहले ड्रायर करूँगी फिर डालूँगी। तो बस खाना पीना सारा काम करने के बाद नीचे लेके आई हूँ, ड्रायर करी हूँ, और इसके बाद चलेंगे ऊपर और कपड़े डालूँगी। तो खाना पीना हो गया है और सारे ही काम दोपहर तक के, मैंने कहा तब आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूं। और आज और भी ज़्यादा बेटर फील हो रहा है और ठीक भी थी, फिर मैंने कुछ काम भी किए और नहाना धोना, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं होता कि नहाऊं नहीं, मेरे मतलब अजीब सा फील होता है, चाहे बीमार भी रहूं तो नहाती हूँ। और लेकिन कल मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैंने नहीं नहाया था, पूरे दिन ही कम्बल में पड़ी रही थी। लेकिन आज थोड़ा सा ठीक फील हो रहा था तो फिर अपना काम वगैरह करा जो हो सका। दीक्षा मना कर रही थी पर मैंने अपना थोड़ा बहुत जो काम किए फिर नहाए धोए। अभी धूप लेने के लिए ऊपर बैठी थी लेकिन हवा भी चल रही, इसलिए सर को खोल के नहीं रखा है कि हवा ना लग जाए, फिर बीमार नहीं होना चाहती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। चारपाई किसको पसंद होगा, बीमार होना किसको पसंद होगा, कभी कभी ऐसी बातें करती हूँ निकल आता है मुझसे। तो बस दवा आज भी खा रही हूँ कि थोड़ा सा जैसे वायरल होता है उस टाइप का है, तो दवा 2-3 दिन लगातार खाने से ठीक हो जाएगा। और ये भी खाना बिना खा के अपना धूप में थोड़ी सी धूप सेक रहे हैं, क्योंकि कई दिनों के बाद आज थोड़ी ठीक ठाक धूप हुई है। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए, जब हम लोग ऊपर रहते हैं ना तो बच्चों का भी मन करता है, वो लोग भी सोचे कि चले थोड़ी सी धूप ले, तो अपनी कापी किताब सब लेके, और लड्डू पूछिए मत, लड्डू अभी भी चल रहे हैं। और हवा बहुत तेज़ चल रही, जितनी धूप लग रही है उससे ज़्यादा हवा लग रही है, लेकिन धूप है तो बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद अभी शाम हो रही है, मैंने कहा हरी धनिया ले चलती हूँ, क्योंकि जो हमने हरी धनिया लगाई ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और ये लहसुन की पत्तियाँ। तो आज देखते हैं, कुछ बनाने का मन कर रहा है तो इसीलिए तोड़ रही थी। और यहाँ पे मैंने आज कपड़ों के साथ साथ अपने कंबल को भी सुखा दिया था धूप में, क्योंकि मैंने कहा सर्दी जुकाम भी हुआ था, फिर ठंडियों में अगर हम कंबल रजाई वगैरह थोड़ा सा धूप लगवा देते हैं ना तो गर्माहट जल्दी रहती है, बन जाती है कंबल में। तो बस यहाँ पे मैंने कहा सब उतार के, और धूप हटने से पहले कपड़े हटा लो तो ठीक है, नहीं ऐसे लगता है सारे कपड़े, अगर धूप जैसे ही जाती है वैसे ही सारे कपड़े गीले से लगने लगते हैं।
और मेरा सामान कितने दिन हो गया आए हुए, आप लोग को भी पता होगा राशन का, पर बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने से वैसे ही रखा हुआ था, और जो चीज़ें ज़रूरत लग रही थी ना वो चीज़ें निकाल ली गई थी इसमें से, और जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी वो सारी ही चीज़ें पड़ी थी। अब मैं थोड़ा सा जब मैं ठीक हुई हूँ तो मैंने कहा सारे सामान लाओ मैं रख देती हूँ, तो ये जो बास्केट है इसमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा बच जाएंगी उसमें रख दूँगी। और इधर देव का भी मन होने लगा कि मैं भी मम्मी रखवाऊँगा, मुझे भी रखने दो, बच्चों का होता है ना हमें भी करना है, हमें भी करना। अभी ये छोटा है इसका मन ऐसे कर रहा था, तो मैंने कहा ले आओ तुम भी चलो कर ही लो। तो ड्राई फ्रूट वगैरह जो भरने थे वो मैंने देव को दे दिए, बाकी जो सामान था जैसे छिटने वाला, जैसे कोई चीज़ें होती है चीनी है मैदा है सूजी है, ये सारी चीज़ें मैंने भर ली है, और भर के जो चीज़ें बच रही हैं उनको रख दिया है। और फिर डिब्बे देव ने पहुँचा दिए थे, और मैंने कहा सही से एक बार सारे डिब्बों को लाइन से लगा दूँ। और अभी चाय मेरी बन चुकी है, और शाम को आजकल स्नैक्स में ज़्यादा कुछ वैसे बन नहीं रहा है क्योंकि सब लड्डू ही खा रहे हैं, और लाई हो गया चूरा पोहा जो होता है, तो बस चाय बन गई है। आ जाइए आप लोग भी, बंद कर दो थोड़ी सी आवाज़। चलिए खूब पिक्चर देख रहे हो आजकल, क्या करें टाइम नहीं पास होता, ठंडी में कहाँ जाए। तो अभी क्या बनाया जाए, रोज का यही क्वेश्चन क्या बनाया जाए, लेकिन दो दिन से मैंने नहीं बनाया था, दो दिन से दीक्षा नहीं बनाया था, आज मैं पूछ रही क्या बनाऊं। आवाज थोड़ी सी हेलो हाय, इतनी देर बाद मैंने अब देखा। अच्छा आज मैं बना लेती हूँ, आवाज पता नहीं क्यों ऐसी हो ही रही है, वैसे तो ठीक हूँ मैं, है ना, आज ठीक हूँ। सच में इस बार हर जगह ठंड पड़ रही है, कमेंट आया था कि हर जगह कमर तोड़ ठंड पड़ रही है, सच में बुरा हाल है। तो सबसे पूछते उछते फिर टाइम हो गया, मैंने कहा चलो आज फिर से मैं निमोना ही बना लेती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए थे निमोना बनाए हुए, इन लोग को बहुत पसंद है, और जब ये सीज़न हरी मटर का रहता है ना तो लगता है कि सीज़न में खूब बनाओ, क्योंकि बाद में जो बिना सीजन वाली मटर रहती है उसका मज़ा नहीं आता उतना निमोने का, और इस सीज़न में हरी धनिया हरी मटर सब कुछ इतना बढ़िया मिल जाता है, और छत से मैंने लाई भी थी, वैसे तो मैं कुछ और बनाने की सोची थी पर वो नहीं बन पाया है, और साथ में मैंने लीड लगा रखी है, फ़ोन से बात भी कर रही हूँ क्योंकि कई बार फ़ोन आ जाता है और हम काम में बिजी रहते हैं ना, तो इस तरह से करना पड़ता है, लीड लगा लेती हूँ और काम करती रहती हूँ बात करती रहती हूँ। तो निमोने की रेसिपी तो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी थी, ऐसे ही बता देती हूँ फिर भी कि आलू फ्राई करी थी, और इसमें जो बड़ी कोई पूछ रहा था कि आप क्या डालते हैं उसको कोहड़ौरी हम लोग के यहाँ बोलते हैं, उड़द की दाल और मसाले वगैरह डाल के वो बड़ी मम्मी ने बना के दी थी मेरी, तो बस वो बड़ी इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो आलू फ्राई किए हैं, बड़ी फ्राई करी, फिर मटर पीस के उसी में डाल के फ्राई करी, और उसके बाद हरी धनिया लहसुन की पत्ती थी और हरी मिर्च, ये चीज़ें फ्राई करी हैं, और उसके बाद बस पानी डाल दिया है, हल्दी और नमक, और बस इसको पकने देना है। तो बहुत इजी और बहुत टेस्टी, पता नहीं आप लोग को कैसा लगता होगा अगर कभी बनाया होगा तो, हम लोगों को पर बहुत टेस्टी लगता है। तो घी डाल के बस अब दीक्षा खाना निकाल रही है, मैं रोटियां सेक रही हूँ, तो ये लीजिए आप लोगों के लिए भी थाली लग चुकी है, सबसे पहली थाली आपकी है। खाना पीना सारे काम हो गए हैं, बर्तन किचन भी हो गया है, मैंने गैस साफ़ कर दी थी, दीक्षा और दीपू बर्तन धुल रहे थे, और मैं ब्रश कर लूँगी क्योंकि ब्रश किए बिना मुझे नींद नहीं आती है। अगर मैं मेरी जब तबीयत ख़राब थी ना तब भी मैं ब्रश चाहे एक दो बार ही घुमा लूँ पर ब्रश ज़रूर करती हूँ क्योंकि आदत पड़ चुकी है, रात में भी बिना ब्रश किए मुझे नींद नहीं आती। बंद कर दिए इसे, नहीं नहीं बजाने की जरूरत नहीं, मैंने कहा अभी बीच में बजने ना लगे इसलिए पूछ रही हूँ। तो ये जो साउंड है हमारा ये ब्लूटूथ नहीं था, तो अभी तो जैसे ब्लूटूथ वाला सिस्टम आ गया है तो ये एक इन लोगों ने मंगाया है, वैसे तो शायद लोगों को पता हो पर मैं इसलिए बता देती हूँ शायद किसी को ना पता हो।
तो ये छोटी सी चिप 200 की आती है, ये लगा देने से ये ब्लूटूथ हो गया, क्योंकि इन लोगों की आदत है गाना सुनते सुनते पढ़ाई करने की, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि ये पढ़ रहे हैं या गाना सुन रहे हैं, तो लेकिन ये मंगा लेने से बैठे बैठे इन लोग के गाने बजते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जानते ही आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है, सारा काम बैठे बैठे होता रहे, वही चाहिए सबको। तो अब जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि दीपू का पेपर होने वाला है, जिसलिए पढ़ाई जोरों पे हो गई है। ये देखिए, जब पेपर सर पे आते हैं तब मैं पढ़ाई पढ़ रही थी मम्मी, ऐसी बात नहीं, नहीं पढ़ते हो, मैं ये नहीं कहती नहीं पढ़ते हो, अरे नहीं ले जा रही हूँ इज्जत, तो पढ़ाई जोरों पे हो जाती है, इतना जोरों पे हमेशा रहे तो फिर क्या बात है, वही तो क्या बात है। माँ बाप ऐसे ही चाहते हैं। और आप लोगों की जो विनती वो प्रे था, वो रंग लाया है मैं 2 दिन में ही, काफी अच्छा फील कर रही हूँ आज। तो आप लोग को दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने इतना विशेष दी मुझे, इतना प्रे किया। और नहीं तो मैं एक दो बार इतनी बीमार हो चुकी हूँ, तो मुझे डर लगता है। पहले एक बार मुझे डेंगू हो गया था, नहीं पहले मैं हमेशा ये कहती थी मैं बीमार कहाँ होती हूँ, जल्दी बीमार नहीं होती हूँ मैं, लेकिन अब नहीं कहती हूँ, क्योंकि अब लगता है कहीं ऐसा ना हो फिर एडमिट हो जाऊँ हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए, ऐसा हुआ है पहले। और मार्केट में भी गई आई थी, तो इस समय कोविड भी बढ़ रहा था, मैं तो डरी गई थी, ऐसा तो नहीं कोविड हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है वायरल फीवर सा था, तो दवा तो अभी भी खा ही रही हूँ। तो बस अब अभी अभी तेल लगाया है दीपू के, बहुत सारा दिख रहा होगा, इस हफ्ते में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे ही बाल धुल लिया था बिना तेल लगाए, मैंने कहा चलो आज रख देती हूँ। दीपू दीक्षा के नहीं लगाया है, दीक्षा कह रही है अभी नहीं मम्मी नहीं लगाना है। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए मेरे से, इसकी बहुत ज़रूरत है। और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।